हे ब्यूटीज हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड गट अनाद सो गाइज टूडेज इज गोइंग टू भी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल दोज पीपल जिनको काफी स्किन इशूज रहते हैं जैसे मोस्ट probably acne because acne ऐसी चीज़ है जिससे हम इतना इरिटेट हो जाते हैं इतना परेशान हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि इसका क्या सोल्यूशन होगा हम काफ़ी प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं काफ़ी पैसा खर्च करते हैं काफ़ी डॉक्टर्स को विजिट करते हैं लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पाता है एंड गाइस ट्रस्ट मी मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं मैंने भी काफ़ी डॉक्टर्स विजिट किए मैंने भी काफ़ी चीज़ें ट्राई की काफ़ी प्रोडक्ट्स ट्राई किए काफ़ी मेडिकेशन ट्राई की एंड इनटेक भी की है आफ्टर डूंग अलॉट ऑफ रिसर्च आफ्टर विजिटिंग अलॉट ऑफ डॉक्टर्स मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनपे मैं स्टिक रह पाई एंड जिनपे स्टिक रहने के बाद मुझे काफी अच्छे अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं बट बिफोर मूविंग फर्दर इफ यूर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल तो शुरू करें सो येस विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो

बैक ऑन शोल्डर्स आई अ लॉट ऑफ एक्ने एंड मैंने काफी डॉक्टर्स को विजिट किया मैंने काफी स्किन डॉक्टर्स ट्राई किए आई टुक अ लॉट ऑफ मेडिकेशन देन आई विजिटेड आई स्किन डॉक्टर जिनके मेडिकेशन मुझे काफी सूट हुए एंड उनमें से ही कुछ मैं आपको तीन ऐसे जेल स्प्रे एंड क्रीम शेयर करने वाली हूँ जो आपको भी हेल्प कर सकती है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि मेडिकेशन को यूज करने से पहले मेक श्योर sure आप अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन जरूर लें वेदर इट इज सेफ फॉर यू और नॉट क्योंकि हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है हर किसी के स्किन कंसर्नस भी डिफरेंट होते हैं सो मेक श्योर बिफोर ट्राइंग दिस एक्सटर्नल थिंग अपने डॉक्टर से सजेशन या फिर रिकमेंडेशन जरूर लें बस तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती यहाँ पे कि मुझे जिन चीज़ों ने अच्छा बेनिफिट दिया जिन चीजों से मुझे फर्क पड़ा जरूरी नहीं है आपको भी उनसे फर्क पड़े बट मुझे इनसे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं एंड कुछ ही दिनों में आपको इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो ऐसे कौन से रिकमेंडेशन थे जो मुझे डॉक्टर ने दिए एंड जिनसे मुझे काफी अच्छा फर्क महसूस हुआ अपनी स्किन में जो फर्स्ट मेडिकेशन मैं बताने वाली हूँ इट इज अ काइंड ऑफ स्प्रे एंड ये पिंपल स्प्रे है लाइक like मुझे अपने बैक पे बहुत एक्ने था सो so उसके लिए मैंने ये स्प्रे बिल्कुल यूज किया एंड इट हैज शोन अलॉट ऑफ अमेजिंग रिजल्ट्स टू मी इससे काफी मेरे एक्ने में डिफरेंस मुझे शो किया तो आई यूज दिस स्प्रे ऑन माई बैक पिम्पल्स बैक एक्ने आपको शोल्डर के साइड पे भी ऐकने हैं या फिर अगर आपको हैंड्स के साइड पे ऐकने हैं तो आप इस स्प्रे को यूज कर सकते हैं दिस स्प्रे इज वेरी अमेजिंग फॉर बॉडी एक्ने ये स्प्रे जो है दिस इज पिमक्योर बॉडी स्प्रे विच हेल्प इन रिड्यूसिंग शोन है कि दिस स्प्रे इज सुटेबल फॉर बॉडी एक्ने मुझे बॉडी एक्ने का, का काफी इशू रहता है कई बार तो मैं इसको जब मुझे लगता है बहुत एक्सट्रीम एक्ने हो रही है तो मैं इसे यूज कर लेती हूँ ये yes, इट डेफिनेटली गिव्स यू अ टेम्प्ररी रिलीफ टेम्पररी आपके एक्ने को तो रिमूव कर लेगा लेकिन परमानेंट आपको अगर अपना एक्ने या पिम्पल्स रिमूव करने हैं तो आपको अपना इनटेक अच्छा करना पड़ेगा आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी आपको अपने डाइट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की इनटेक अच्छी करनी पड़ेगी एंड ऑयली चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा वॉट डज दिस पिमक्योर बॉडी स्प्रे क्लेम सो दिस इज पिमक्योर बॉडी स्प्रे कंट्रोल्स एक्ने फॉर्मेशन बाय रिड्यूसिंग एक्सेसिव ऑयल सेकोरेशन एंड कीपिंग पोर्स क्लीन कीवी एक्सट्रैक्ट अलॉन्ग विद टी ट्री एंड क्लोव ऑयल एक्ट एज नैचुरल एंटी सेप्टिक एंड एंटी बैक्टीरियल आपको जहाँ पे भी अपने पिम्पल्स विजिबल रहते हैं बॉडी पे अफेक्टेड एरियाज आपको लगते हैं अपनी बॉडी आँखने के लिए दिस इज वेरी सूटेबल स्प्रे सो आई वुड सजेस्ट यू की अगर आपको बॉडी आँखने की काफी इश्यूज रहते हैं तो आप इस स्प्रे को यूज कर सकते हैं बट ऑलवेज कीप इन माइंड मेक श्योर टेक रिकमेंडेशन बाईर डॉक्टर की आपको ये यूज करना चाहिए आपकी स्किन के अकॉर्डिंग और ना लेट्स टॉक अबाउट

जेल एज यू कैन सी ऐसी कुछ पैकेजिंग मिल जाएगी मैं जो भी आपको यहाँ पे मेडिकेशन बता रही हूँ मैं इन मेडिकेशन के आपको लिंक जरूर शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में जिससे आप इजिली इन्हें परचेज कर पाए माई नियर बाय मेडिकल स्टोर अगर आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं ये एग्निरिड जेल आपको कैसे अप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है सो so आपको ये अग्निरिड जेल अप्लाई करने के लिए लाइक like मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करते हैं तो आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं मेक श्योर sure कि आप अगर मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं तो वो लाइट वेट मॉइस्चराइजर हो विच शुड भी वेरी लाइट ऑन योर स्किन जिसे ऐकने ज़्यादा ना फैले अगर आपकी एकने प्रोन स्किन है तो मेक श्योर sure आप ऐसा मॉइस्चराइजर यूज़ करें जो आपके आंकने को और इंक्रीज ना करें ठीक है एंड आईज यू ऑल नो आई डू यूज इन ऑल माई वीडियोज़ दिस सेटअप फिल मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड दिस इज नॉन ग्रीसी लाइट वेट लोशन फॉर स्किन विच गिवस यू अमेजिंग एंड वेरी नाइस हाइड्रेशन आपको इस एक्ने जेल को अपने मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करना है आप जितना भी मॉइस्चराइजर ले रहे हैं आप उतनी ही क्वांटिटी ये जेल की लें एंड मिक्स टुगेदर लेर यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर फेस जहां भी आपको हैं फेस पे या नेक पे भी अगर आपको पिंपल्स है तो आप नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन दिस जेल इज फॉर फेस ओनली तो मैं इसको अगर रेगुलर यूज करती हूँ तीन से चार दिन तक तो मुझे उसी से ही काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो आप मेक श्योर sure इसको रेगुलरली यूज करें एंड नाउ वी टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ एक्नेरिड जेल देन इट इज जो इसकी पैकेजिंग पे मेंशन है तो चलिए बात करते हैं वॉट डज This acne gel claims. Acne gel is used to treat mild to moderate acne. स्किन कंडीशन दैट हेयर फॉलिकल एंड ये तो बात थी एक्नेरिड जेल की जो मैं जनरली मॉर्निंग में यूज करती हूँ लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा तो आप मॉर्निंग में भी जब अपना फेस वॉश करते हैं तो आप अपने मॉइस्चुराइजर के साथ मिक्स करके जैसे मैंने बताया आप यूज कर सकते हैं अगर आपको मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना है आपकी बहुत ही एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो आप जनरली विदाउट मॉइस्चराइजर भी जहां भी इफेक्टेड आपके फेस पे है, वहाँ वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड फॉर बेटर रिजल्ट आप अगर दिन में दो बार फेस वॉश करते हैं लाइक इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग तो आप इवनिंग में भी इसे रीअप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्वान्टिटी अप्लाई नहीं करनी है आपको बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी लेके जहां जहां एरियाज है जहां पे आपको एक्ने वहाँ वहाँ पे अप्लाई करना है बाद ही यूज किया है ये आपको कब यूज करना है बता देती हूँ ये यूज करने के लिए आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है सोने से पहले मेक श्योर sure. आपको ये रात में यूज करना होता है जैसे मैंने यूज किया वही बता रही हूँ गाइज ठीक है आप सोने से पहले ऐसे अपने जहाँ भी पिम्पल्स है ओनली वही पे सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कोई स्किन पे नहीं लगाना है अगर आपको गैप में पिम्पल्स या कहीं भी फेस पे एक्ने पिंपल है वहीं पे अप्लाई करना है क्योंकि इससे आपको हल्की सी इरिटेशन हो सकती है बिकॉज इट फास्टली वर्क्स ऑन द पिंपल ये पिंपल की जो भी जर्म्स हैं उन पे फास्ट वर्क करता है एंड उनके जर्म्स को किल करता है तो डेफिनेटली इसको लगाने के बाद आपको थोड़ी इरिटेशन होगी मुझे भी जहाँ पिंपल होते हैं वह मैं इसे अप्लाई करती हूँ ओनली इन नाइट बिफोर स्लीप लेकिन मेक श्योर sure आपको अगर बहुत इरिटेशन हुआ तो आप इसे हटा सकते हैं एंड थोड़ी इरिटेशन अगर आपको होती है तो मेक श्योर sure आप उसे थोड़ा सहन करें बिकॉज वो इरिटेशन होने के बाद ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा गाइस इस जेल को यूज करने के बाद आपके पिम्पल्स काफी स्पीड से और काफी रैपिड आपको पिंपल्स में फर्क देख

विच वॉज रिकमेंडेड बाय माई स्किन डॉक्टर और जिससे मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला एक्ने एंड पिम्पल्स में एंड आई होप कि आपको भी इनको यूज करने से काफी अच्छा डिफरेंस फील होगा अपने एक्ने एंड पिम्पल्स में और आपको काफी हेल्प करेंगे ये मेडिकेशन जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं एज आई हैव ऑलरेडी मेन्श दीज मेडिकेशन सूटेड मी एंड माई स्किन बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल सूट योर स्किन और नॉट मेक तो श्योर sure आपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन डेफिनेटली ले गाइज और पिम्पल्स एंड एक्ने ऐसी चीज है जो हमको काफी इरिटेट करती है काफी बार हम कुछ अप्लाई करने से पहले दस बार सोचते हैं हमें काफी सोच समझ के प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना पड़ता है काफी परेशान हो जाते हैं हम एक पॉइंट पे बिकॉज मेरे साथ भी ये सब चीजें हुई है एंड मैं भी काफी परेशान थी अपने पिम्पल्स के साथ ऑल्सो गाइज मेक श्योर अगर आपको पिम्पल है या एक्ने हैं तो आप उसको रब या फिर आप उसको स्क्वीज ना करें पिम्पल्स में बैक्टीरिया है वो और फैल जाएगा जिसकी वजह से पिंपल्स और ज्यादा होते हैं तो मेक श्योर sure आप हमेशा पिंपल्स को कभी भी स्क्वीज ना करें जिससे पिंपल्स ज्यादा हो सकते हैं ओके सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो वीडियो आई होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आई होप मैंने आपको मेडिकेटेड स्प्रे और जेल जेलेंट किए हैं आई होप ये आप सभी के लिए भी हेल्पफुल रहे और आप सभी को भी अच्छे से छुटकारा मिल जाए पिंपल्स और एक्ने से जल्द से जल्द कोई भी मेडिकेशन अगर आप यूज करते हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई भी मेडिकेशन आप यूज करते हैं चाहे वो होम्योपैथिक हो एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो आपको बस पेशेंस रखना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है आपको डेफिनेटली मिलेगा लेकिन अगर आप पहले ही नेगेटिव हो जाएंगे पहले ही आप सोचेंगे कि नहीं इट इज़ नॉट वर्किंग लेट्स लीव इट तो ऐसे क्या है कि आप जंप करते रहेंगे अलग गए -गए अलग मेडिकेशन पे जिससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा सो मेक श्योर टू स्टिक ऑन एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन जो आपको हल्का भी फर्क दिखा रही है तो उस पर अगर आप स्टिक रहेंगे तो आपको डेफिनेटली विद टाइम और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे गाइज मेक श्योर टू बी पॉजिटिव एंड आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो Also guys if you are new to my YouTube channel then make sure to subscribe my channel and hit the bell icon to get notified every time I upload a new video see you soon in my next video till then take care stay healthy stay fit and stay the way you are because you are always beautiful